Uh, थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम होता है फिर लोग बोलते हैं बाद में आप इतने फास्ट गए बात समझ में नहीं आई है तो आई एम क्वाइट श्योर स्पिल ओवर होएगा, सो आज के इन एनी केस सेशन के बाद अगर 100 परसेंट नहीं हुआ 75, 80 परसेंट हुआ हम ट्राई करेंगे पूरा कंप्लीट करो मगर कमिंग संडे हम लोग इसको एक सेशन लेंगे

बहुत एक हम्बल स्पिरिट लेके आप लोग के सामने वही शेयर कर रहा हूँ व्हाट गॉड हैज आस्ट मी टू शेयर द किंगडम ऑफ गॉड हियर ऑन अर्थ तो लास्ट सेशन में हम लोग उतरने के पहले दो तीन बातों को देखेंगे पहला चीज हम लोग ये ना भूलें कि गॉड हैज अ प्लान गॉड ऑलवेज हैज अ प्लान हम लोग की लाइफ में प्लान नहीं होता हम लोग निकलते घूमने के लिए परमेश्वर घूमने के लिए नहीं निकले हैं कि पूरे सृष्टि में घूम रहे हैं बट गॉड हैज अ प्लान और उस प्लान उस योजना के आप इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं इसलिए यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चुना है अगर हम लोग बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू हेवन बिकॉज़ गॉड हैज चोजेन मी तो परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है आमेन विद अ डेफिनेट प्लान हम जिस उम्र में भी हैं हम जिस स्थिति में भी हैं गॉड हैज प्लान टू यूज यू फॉर हिज किंगडम ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरी चीज हम लोग को ना भूलना चाहिए पिछले बार बहुत कड़क सेशन था जब हम लोग इस्लामिक वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर रहे थे उनके उनके बिलीव्स को देख रहे थे कि मुस्लिम्स को ये कभी ना सोचना चाहिए कि क्रिश्चियन लोग उनसे नाराज है हम लोग किसी भी मुस्लिम से नाराज नहीं है उल्टा हमको उनके लिए बहुत बड़ी सहानुभूति है कि उन्होंने पूरी सच्चाई नहीं समझी है और हम लोगों का फर्ज है अच्छा हम लोग का फर्ज है कि उन पर हम उन तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करें उनको हम लोग दिखाएं परमेश्वर का प्यार प्रभु यीशु मसीह में और परमेश्वर की क्षमा यीशु मसीह में ये इन बातों को उनके नजर में उनके नजर में नहीं है रियलिटी तो टू शो इट इन आर लाइव अ लव फॉर द मुस्लिम हु आर लॉस्ट एज जीज सेड ना ही लीव निन्यानवे को छोड़ के एक को लाने जाते हैं अगर हम लोग उस रूप से देखे तो मौके मौके पे हमको डर के नहीं मगर प्यार से वी नीड टू रीच आउट देम ताकि उन लोग हमे, हमें हमें यीशु मसीह को देखें और बोले हम हमें क्या मिसिंग है बिकॉज गॉड इज लव जीजस इज लव अगर आप और हम प्यार नहीं हैं तो समथिंग रॉंग और इसी तरह से हम लोग ना बोले इसका मतलब कि कलीसिया के सामने एक बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी बड़ी है है कलीसिया के सामने और हम लोग उसको जैसे इंग्लिश में अगर बोलेंगे द चर्च के नॉट बी पैसिव द चर्च हैज टू बी इसको कैसे ट्रांसलेट करें कोई कर सकते हैं हिंदी में तो बोली द चर्च के नॉट बी पैसिव इट टू बी एक्टिव कोई भी ट्रांसलेटर नहीं है क्या नो ट्रांसलेटर पैसिव का मतलब है बैठे रहो मैं बचपन से 25 26 साल की उम्र तक पैसिव था एज अ क्रिश्चियन हम चर्च के बहुत अच्छे मेंबर थे लोग हमको लाइक करते थे हमारे लाइफ स्टाइल गुड क्रिश्चियन क्या था साल में बावन संडे होते हैं बावन के बावन संडे हम चर्च जरूर जाते थे जरूर मेरी फैमिली कोई जरूरी नहीं था कि हर बार जाए मगर सनी चंद्रा चर्च में थे तो वो मगर पैसिव क्रिश्चियनिटी था तो हम लोग कभी कभी अपने चर्च के मेंबरशिप में वही सोचते हैं कि हम गुड मेंबर है अटेंड करते रहे दैट्स अ गुड मेंबर वो पैसिव क्रिश्चियनिटी गॉड वांट्स टू हैव एक्टिव क्रिश्चियनिटी और हम लोग को ये बात लेके चलना रहे जैसे एज वी गो अहेड इन दिस स्टडी और अगर हम लोग एक चीज देखें हम इस वर्ष में से के बाद में में एंड करेंगे अपना जो इंट्रोडक्शन है तो आजाया छठा अध्याय और आठ वचन बाइबल कहता पढ़िए निकालिए मत मैं बता देता हूँ आजाया के छठा अध्याय वो अध्याय है जो कहता है जिस साल उजिया राजा मरा तब परमेश्वर का दर्शन आजाया को मिला और आजाया छठा अध्याय आठ वचन में जब देखते हैं आजा की जो आमना सामना हुआ परमेश्वर परमेश्वर की आत्मा आठवा वचन में है कि परमेश्वर की आवाज आ रही है मैं किसको भेजू मैं किसको भेजू और आजाया कहता है परमेश्वर मुझे भेज सेंड मी एक हिंदी बहुत अच्छा गाना है कौन जाएगा कौन जाएगा और उसका आवाज गाने का आगे है मैं जाऊंगा एंड दिस बी द हार्ट बीट ऑफ एवरी क्रिश्चियन एंड बिलीवर के हर विश्वासी की दिल की दर्शन धड़कन क्या होनी चाहिए मैं जाऊंगा परमेश्वर मैं जाऊंगा तो अगर आप तैयार हैं, आपको चाबी लग चुकी है कभी ना भूले कि कलीसिया को परमेश्वर ने क्यों तैयार किया था वाई इज गॉड क्रिएटेड द कलिसिया इज फॉर दिस ग्लोरियस वर्क इज फैंटेस्टिक काम के लिए इसलिए कलिसिया को बनाया गया जब हम लोग अभी बाइबल की रीडिंग्स देख रहे हैं, तो योना यो का सोलह वचन में यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं आई हैव अदर शीप जो इस झुंड के अलावा है अब ये झुंड Israel का झुंड है या क्रिश्चियन का झुंड है ये शब्द इम्पोर्टेंट है परमेश्वर क्या बोल रहे हैं और, मेरे और, भी भेड़ है। और भी भेड़ है जो इस भेड़ या शाला की नहीं है दैट मीन्स ओरिजिनल पार्ट ऑफ द ओरिजिनल नहीं है मुझे उनको भी लाना है अवश्य है वो मेरी शब्द सुनेंगे तब एक ही गुंड और एक ही चरवाहा होएगा और एक ही आर नॉट ऑफ़ दिस फोल्ड दिस वर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिलीवर कि हम लोग समझे कि हमारी जो फोल्ड है अगर हम अपने क्रिश्चियन बोलेंगे कि हम लोग का फोल्ड ये हमारी कौम ये है यीशु क्या रहे है इसके अलावा और भी हैं और उनको मिल लाना जरूरी है ताकि अंत में एक ही बड़ा झुंड हो जाए जो पहले से थे और जो बाद में आए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लोग ने पढ़ा इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे वो है अजाय की किताब निकाली मत 19 अध्याय 23 24 और 25 वचन जहां पर परमेश्वर एक भविष्यवाणी है भविष्यवाणी के इन दैट डे की उस दिन ये दैट डे का मतलब सिंगल डे नहीं है डे का मतलब है उस पीरियड ऑफ टाइम में देर विल बी आउट ऑफ इजिप्ट टू असारिया हाईवे का मतलब जैसे एक्सप्रेस हाईवे है क्या हाईवे क्या करता है एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ता है एक कोम और दूसरे कोम को जोड़ता है वचन में लिखा है कि उस दिन तीसरा होएगा मिस्र देश दूसरा होएगा असरिया पहला होएगा एक दो तीन जो भी है तीन देख लीजिए और ये सब सब उस दिन और उस समय एक आशीष के कारण हो उस भूमि के बीच में पच्चीस वचन लिखा है जो, जो लॉर्ड ऑफ को क्या बोलते हैं सेनाओं का यहोवा सेनाओ उनको आशीष देगा किन दिनों में अंतिम दिनों की बात हो रही उन्नीस में अंतिम दिनों की बात हुई जो परमेश्वर बोलेंगे धन्य है मिस्र मेरे लोग असारिया जो मेरे हाथ के बनाए हुए लोग हैं और इसराइल जो मेरा इनहेरिटेंस क्या बोलते हैं भाग, नीज भाग नहीं।, जो, नहीं 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 इनहेरिटेंस जो नॉट दैट वे इट्स लाइक द वारिस अंतिम दिनों में परमेश्वर क्या बोल रहे हैं ये हो जाएगा ये तीन जो मेन लोग हैं उस एरिया के वो तीन मेन लोग एक हो जाएंगे तो इसको लेकर आगे बढ़े अब हम लोग ने देखा था जो हम लोग स्टडी ले रहे थे कि अब्राहम जब परमेश्वर की बातों में चल रहा था आगे बढ़ रहा था पर उस समय अब्राहम के दिल में बहुत दुख हो रहा था क्योंकि उस समय दो बेटे थे एक को परमेश्वर ने बाद में बोला वो बारिश थे दूसरा ऐसे ही है उसको बेटा भी परमेश्वर दूसरे को बेटा भी नहीं बोले फिर इन्ती एक बाप अपने बच्चों की ओर हमेशा प्यार करता बाप का प्यार करता इसका मतलब नहीं कि माँ बाप माँ प्यार नहीं करती शायद माँ ज्यादा प्यार करती है मगर यहाँ पर देखते तो हम लोग ने पढ़ा अपने स्टडी में जो कि हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब सत्रह दस वचन में परमेश्वर हम को बोल रहे कि देखो दुखी मत हो इस्माइल को भी हम आशीष देंगे 20 लिखा है वादा दिया कि उसके वंश होंगे हम आशीष देंगे और हम लोग ने स्टडी में देखा कि इस्माइल के वंश से जो इस्लामिक वर्ल्ड बहुत सारे बने अब परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया और ये जो इस्लामिक वंश है जो अपने अभी आपके पास अगर मैप है तो मैप खोलना अच्छा होएगा, जो हम लोग ने मैप भेजा है इस पर आपके ग्रुप में आप लोग सबके पास मैं आज मैप को लेकर बहुत चीजें होंगी तो अगर उस मैप को अगर आप खोल के देखें ठीक से अब मैप को और देखिए अगर आपको इसराइल दिख रहा है छोटा सा इज़राइल है जॉर्डन के बगल में लेके और उसके पूरब जहां पर अब्राहम ने अपने सब बेटों को बोला तुम लोग सब जाओ सब चले जाओ अगर आप लोग देखें तो परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया और अरब देशों में पैसे की कमी नहीं है प्यार की अगर कमी है हम लोग कह सकते हैं मगर पैसे की कमी नहीं है परमेश्वर ने जो वादा किया कि मैं उसको आशीष दूंगा तो टुडे द मुस्लिम वर्ल्ड द अरब वर्ल्ड ऑल जनरेशन ऑफ इश्माइल आर वेल ब्लेस्ड अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड वो ब्लेसिंग मिली है और हम लोग समय बचाने के लिए एक दो रेफरेंसेस छोड़ देंगे आपकी ताकि नेक्स्ट सेशन में जब क्वेश्चन आंसर्स के सेशन में इसको हम कंप्लीट करेंगे अब आइए हम लोग वापस जाए थोड़ा सा समय क्रिश्चियन हिस्ट्री चर्च हिस्ट्री को थोड़ा देखें कि आज हम लोग कहाँ खड़े हैं कि इन सब चीजों के बाद क्या क्या हुआ हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह के जी उट, मर के जी उठने के बाद जो क्रिश्चियन फेथ था वह किसको बोल सकते क्रिश्चियन फेथ कोई इसका वर्ड अच्छा देंगे क्रिश्चियन फेथ इसका हिंदी का क्या बोल सकते हैं प्लीज बी जॉइन मी help me the spread of the christian faith ko hindi mein kaise bolenge ha the spread of वचन the... का प्रसार christian अच्छा हत्ती के क्रिस्ती वचन का फैलना spread of the christian faith तो यीशु मसीह के अब अगर आपको नोट्स लेना है अपने टीचिंग के लिए तो कैफेली थोड़ा-थोड़ा नोट कर लीजिए यीशु मसीह के मर के जी उठने के बाद जो विश्वासी फेत था वो एक जंगल की आग की तरह फैलने लगा पहला सदी से लेके छठी सदी तक अब अपने अपने मैप्स को देखें तो अगर देखेंगे कि स्टार्ट किधर हुआ जहां इसरा लिखा है आप वहां पर एक लाल डॉट बना लीजिए आपके मैप के ऊपर हम अब कोशिश करेंगे हाउ टू शो दिस नो आई वांट टू शो दिस अ मार्क इज इजराइल ओके अभी आप ठीक है आप देखिए आप जहां पर इजराइल देख रहे हैं और जेरूसलम देख रहे हैं आप अपने मैप में उसको एक तरह से मार्क कर लीजिए हाँ ये मार्क हो गया तो यहां से जस्ट कीप right. जो फैला तो इजराइल को कवर किया इसराइल के बाद पूरा जो मिडल ईस्ट ना मिडल ईस्ट को यही बोलेंगे जो आ, आपको ल, आ, लाल मार्ग से हाँ ये सब एरिया जो है इधर फैलने लगा हर ये सब जगह फैला ऊपर भी गया ऊपर ग्वेंटा पल्सो ऊपर भी गया चारों तरफ फैला और इधर भी गया इंग्लैंड भी गया ये सब वेस्टर्न वर्ल्ड में भी गया चारों तरफ फैला ऑल राइट right. उसमें मिस्र देश भी कवर हुआ नॉर्थ अफ्रीका भी कवर हुआ इथियोपिया कवर हुआ और एशिया माइनर अगर एशिया माइनर बोलेंगे तो जॉर्डन वगैरह ये सब सब में उसमें आता है टर्की सीरिया ये सब कवर हो गया कि क्रिश्चियनिटी इस तरह से फैलने लगा 600 साल तक परंतु सातवें सदी में सऊदी अरेबिया में एक शख्स पैदा हुआ जिनको इस्लामिक वर्ल्ड प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं मोहम्मद के नाम से कोई पैदा हुआ ऑल राइट right. और जब वो पैदा हुआ है, तो उन्होंने फिर बोलना शुरू किया कि हमें एक रेवलेशन आया है रेवलेशन कैसे बोलेंगे प्रकाशित नहीं बोल सकते हैं मगर एक बहुत बड़ी है समझ परमेश्वर से कुछ खास मैसेज की तरह एनीवे anyway, आप अगर इंग्लिश थोड़ा फॉलो कर लीजिए रेवोलेशन फ्रॉम गॉड परमेश्वर से रेवल्यूशन वो बोले कि हमें आया है जो सच्चा सच्चाई का गहराई है इस तरह से कुछ है अब ये ऐसा समय था जो सदी के बाद क्रिश्चियन चर्च में और जूडिज्म में जो यहूदी लोगों का जो फेथ है जिसको बोलते जूडिज्म बहुत करप्शन आ गई थी बहुत करप्शन करप्शन समझते हैं करप्शन क्या होएगा हिंदी में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बहुत भ्रष्टाचार चर्च में आया और यहूदियों के बीच में आया उनके उस सब के बीच में मोहम्मद खड़े हुए बोले कि हमें सच्चाई अबे हमको प्रकट हुई है और उन्होंने सिखाना शुरू किया कि ये सब जो क्रिश्चियन फेथ है जूडिज्म है उसका एक रिप्लेसमेंट आया है जिसको बोलते हैं द ओरिजिनल रिप्लेसमेंट थियोलॉजी रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है उसकी जगह या उसके बदले में और उनका जो टीचिंग था देखिए मैं फिर कह रहा हूँ मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ बता रहा हूँ ताकि हम लोग समझे हम लोग आज का स्टडी प्यार भरा स्टडी है किसी की बारे में हमको बात नहीं कर रहा है मगर समझा रहे हैं कि लास्ट में परमेश्वर का प्यार कैसा है तो उनका टीचिंग ये था कि पहला चीज वो कह रहे थे कि परमेश्वर ने इस्माइल के साथ वाचा बाना बांधा था अब्राहम को लेकर इशाक इशाक के साथ नहीं है इशाक के साथ नहीं इस्माइल के साथ as said in english that god covenanted with ismail on mount moriah and not थ आइसिक एंड और अब्रह इसमाइल को लेके गए थे माउंट मौरिया पर इसाक को लेके नहीं गए पहला उनका यह पॉइंट था दूसरा पॉइंट यह था कि जो एक्चुअल बेटा था जो लेजिडिमेट चाइल्ड क्या बोलेंगे जो लेजिटिमेट चाइल्ड को क्या बोलेंगे नाजायज 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 बेटा ना इश... जाएज। नहीं नहीं जायज जायज बेटा इस्माइल था और नाजायज बेटा नाजायक था सॉरी ना क्या हाँ वो क्या कि... नहीं, नहीं उनका टीचिंग था कि नाजायज इशाक था और जायद बेटा इस्माइल था द रियल सन एंड द लेजिटिमेट सन वॉज इस्माइल एंड नॉट दिस द टीचिंग तीसरा चीज उनका टीचिंग था कि कुरान हैज द बाइबल देखिए छत्तीस सदी तक बाइबल कलेक्ट हो गया था तीसरी चौथी सदी में बाइबल आ गया था अब उनका टीचिंग था कि उनका जो कहना है जो सिखाए रहे हैं कुरान हैज कुरानज रिप्लेस द बाइबल और टीचिंग था मेक्काज हाँ रिप्लेसड जरूसलम की यरूसलम की जगह पवित्र स्थान हो गया है मेक्का और उनका टीचिंग था कि इस्लाम जो है जूडिज्म की जगह में है अब हिंदी में क्या बोलेंगे जूडिज्म जो जूडिश जूडिज्म फेथ था जो यहूदी लोग का जो विश्वास था उसकी जगह इस्लाम आया है और मुस्लिम्स और मुस्लिम्स अरब ने की जगह ले ली है, उस कहना है कि परमेश्वर के एंड डोम ऑफ द रॉक डोम ऑफ द रॉक क्या है आप लोग जानते हैं हम लोग इसको सुन देखना जरूरी है ताकि हम लोग एक बार समझ के आ, समझ से और प्यार से आगे बढ़े डोम ऑफ द रॉक इसराइल में जो सुनेरा जो मस्जिद है उनका दैट इज द डोम ऑन द रॉक तो उनका कहना था कि डोम ऑफ द रॉक हैज रिप्लेस्ड कि डोम ऑफ द रॉक हैज रिप्लेस्ड द ज जूश टेम्पल और द टेम्पल ऑफ सोलोमन जूस प्रॉफिट की जगह जो बाइबल की जितनी प्रॉफिट है जूस प्रॉफिट उनकी जगह मुस्लिम्स आ गए हैं और लास्ट में मेन पॉइंट मेन पॉइंट में मोहम्मद हैज रिप्लेस्ड जीसस क्राइस्ट ये उनका बेसिक टीचिंग ऑफ रिप्लेसमेंट है अब ये जो रिप्लेसमेंट टीचिंग था थियोलॉजी था ये आग की तरह फैलने लगा जहां जहां क्रिस्टियन क्रिश्चियनिटी गया था वहां वहां ऐसा फैला जरूसलम से लेकर मोरक्को अब आपको अपना ये देखना ही पड़ेगा मैप यूसलम को लेके फिर मोरक्को ईरान टर्की सीरिया इराक और इंडिया तक आया इंडोनेशिया तक आया सऊदी अरेबिया मिस्र देश मंगोलिया ये सब तक पूरा फैलने लगा और ये जो है छठी सातवीं आठवीं सिर्फ उसके अति छठी सातवीं सदी से लेकर पूरी तरह फैलने लगा ना मैं आगे इसमें फर्दर डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि हम आज के दिन चर्च हिस्ट्री नहीं सिखा रहे हैं हम लोग स्टडी कर रहे हैं किंगडम ऑफ गॉड इसलिए हम लोग अपने जगह पे उस तरह से वापस आ जाएं और हम लोग वापस आए ये पूछते हुए कि इन सब के बीच में शांति और शांति की जगह कहाँ चली गई अगर हम लोग देखने जाएं तो कोलोशंस का किताब इफ यू कैन टेक कोलोसियंस टू फोर्टीन एंड फिफ्टीन कोलोशंस की किताब में लिखा है दो दो अध्याय चौदह पंद्रह वचन में कि यीशु मसीह ने इफ यू कैन कोलोसियंस टू फोर्टीन एंड फिफ्टीन यहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में उट देंडराइटिंग ऑफ ऑर्डिनेस वॉज अगेंस्ट विच वॉज कॉन्ट्ररी टू अस एंड टूक इट आउट ऑन दलिंग इट टू द्रॉस ये इंपॉर्टेंट है ये मसी ने सब करवाड़ापन को लेकर क्रूज को ठोक दिया और उसके साथ सब दुख बुराई बुरी चीजों को सब वहीं पर खत्म करके स्तर से लिखा हुआ है और हम लोग उसी तरह देखते हैं निकालने की जरूरत नहीं है जब हम लोग पढ़ते हैं गलित की किताब पांचवा अध्याय बाईस और तेईस वचन द फ्रूट ऑफ़ द स्पिरिट इज लव जॉय पीस लॉन्ग सफरिंग जेंटलनेस गुडनेस मीकनेस फेथ टेम्परेंस द नाइन फ्रूट ऑफ द स्पिरिट नाउ दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ द चर्च तो एक तरह से चर्च फैल रही थी पाप आया इस्लाम आया और बहुत सारी चीज आई और इतना कड़वापन रिश्ता आ गया दुनिया में मगर हम लोग ने आज स्टार्ट कर रहे हैं इस बात की समझ को आयजाय की किताब को लेकर आयजाय की किताब में भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह का नौ अध्याय छत वचन जो हर क्रिसमस टाइम में हर चर्च में पढ़ा जाता है हम इंग्लिश में मेरे तो रटा हुआ है फॉर अंटूर्स इज बॉर्न टू सन इज गिविन एंड द गवर्नमेंट शेल बी अपॉन इट शोल्डर एंड इज नेम शेल बी कॉल्ड वंडरफुल काउंसिलर देर माइ डी गॉड

एज अवर लैम बीस वचन में वेरीफाई वचन मसीहा को जगत की सृष्टि के पहले चुना गया सृष्टि के पहले यीशु मसीह को चुना गया और अब इन अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुए हैं प्रकट वही होता है जो ऑलरेडी छिपा हुआ है है मगर छिपा हुआ है तो यीशु मसीह की पैदाइश 2000 साल पहले मनुष्य होके हुआ मगर परंतु वो सृष्टि के पहले जो है उसके पहले से ही है वो प्रकट हुए आपके लिए और मेरे लिए और ये समझ दुनिया को नहीं है ना ये समझ हमारे मुस्लिम भाई बहनों को है तो इस बात को लेके अब आइए हम लोग यहाँ पर आए आए की किताब जो हम लोग ने रेफरेंस में पढ़ा आए की किताब उन्नीस से दया तेईस से पच्चीस वचन तक और अप, अपना मैप साम, सामने रखिए क्योंकि अब हम लोग मैप से देखकर कोई कोई बातों को देखेंगे जो आज की स्टडी का फाइनल हिस्सा है वहां पर लिखा है और उन दिनों में इंग्लिश में लिखा है और बी हाईवे हिंदी क्या है हाईवे का एक्सप्रेस हाईवे की तरह हम लोग जानते हैं ना एक्सप्रेस हाईवे तो हम लोग जानते हैं अगर ऐसे हाईवे बोलेंगे तो लोग बॉम्बे पुना हाईवे के लिए सोचते नहीं हैं बट अगर हम लोग जब... हाईवे बोलते हैं अपने पीछे बात करते हैं तो कि उन दिनों में एक एक्सप्रेस हाईवे होगा जो मिस्र देश से असारिया तक जाएगा और असारिया से मिस्र देश और मिस्र देश असारिया ना असारिया किधर है अपने मैप के ऊपर देखे अगर आप मैप को समझने की कोशिश करें असारिया पुराना नाम है जो सीरिया को लेकर और इराक को लेकर और ये उस पूरे एरिया को ईरान को कवर करके आप आप देखिए मैप को तो इराक को लेके ईरान का आधा हिस्सा लेके और तुर्की को लेके ये सब एक पूरा जो है ये असारिया कहलाता था, था जो आज के दिन सीरिया है सीरिया तो छोटा है असारिया पूरा एक एरिया है लिटिल तो काफी बड़ा जगह असारिया जो है पूरी एरिया है ओके तो आय की किताब को अभी आप देखिए जो हम लोग ने अभी पढ़ा दिस इज द हाईवे जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि अंतिम दिनों में एक हाईवे होएगा जो इन सब को जोड़ के तीन देशों के बारे में कुछ बात हो रहा है आप करिए करिए बहुत carefully follow आपको इतना ज्ञान आएगा जो अभी तक कभी कभी हम लोग पढ़ के आगे बढ़ते हैं मगर अब इसको ठीक से देख लेंगे एक चीज हम लोग याद करें ओके okay? अभी आप अपना बाइबल का ज्ञान हम अपना बाइबल को ज्ञान को लेकर हम लोग मिलकर एक, एक खाना बनाएं। और अब्राहम तो जो है हम लोग जाते हैं हम लोग ने पढ़ा है स्टडी में और आपने भी पढ़ा होगा अपने थ्रू द लाइफ अबाउट इब्राहिम अब्राहम क्या किया निकल के आया तो मिस्र देश गया करेक्ट मिस्र देश से वापस आया बैथल बैथल से गया आगे बढ़ा तो वो क्या कौन से रास्ते से गया क्या कोई हाईवे था कोई रास्ता था जरूर कोई रास्ता था क्योंकि बैथल से जब मिस्र देश गया मिस्र देश से बैथल वापस आया एक लेके चली एक रास्ता बना हुआ था ना उसको उतना समझ लीजिए मगर अब्राहम का जो जर्नी हम लोग देख रहे हैं ऑल राइट अब केयरफुली फॉलो करिए मैं क्या बोल रहा हूं अब्राहम का बेटा वो भी जेकब भी मिस्र देश किया और जोसेफ हिंदी यूसुफ यूसुफ याद करिए वो भी कहा गया मिस्र देश में गया और इसराइल के बच्चे चिल्ड्रन ऑफ इस यहूदी लोग मिस्र देश में लगभग 400 साल थे हागर कहा का रहने कहा के रहने वाले थे मिस्र देश की और इस्माइल की पैदाशी हो के बाद आप लोग जानते हैं उन, उनकी पत्नी से से आई फिर हम लोग देखते कि मोशे ने मिस्र देश से, अब आप अगर मैप दिख रहा है सामने अब आप एक्चुअली अगर, अगर आप प्रिंट आउट लेते तो अच्छा था मगर देखिए मिस्र देश से शो द मैप एट द मैप मोशे ने मिस्र देश से इज़राइल को मोशे ने मिस्र देश से इज़राइल की कोम को लेके आए कहां पर कहा लैंड में वाचक क्या वचन दत्त भूमि में लेके आए तो कोई ना कोई रास्ता तो था जो लोगों ने इसराइल का टूर लिया है आप लोग जानते हैं कि एक रास्ता है ना कोई यो आरसीसी रोड नहीं है सीमेंट का रोड नहीं है कच्चा रास्ता है मगर रास्ता है एक पाथ है क्योंकि ये कोई नया चीज नहीं है काफी सदियों से है कहना यह है कि इसराइल और मिस्र देश के बीच में एक संबंध बना हुआ था बहुत पहले से बहुत पहले से एक संबंध है तो एक एक्चुअल हाईवे जरूर था कोई रास्ता रोड जरूर था मिस्र देश से लेके तक ये दोनों ज़मीनों को ये दोनों देशों को जोड़ने के लिए अब आइए हम लोग एक बात और सोचे जो दस अध्याय और कानून और तोरा के जो पूरी वादाएं हैं परमेश्वर ने मोशे को किस जगह दिया की पहाड़ पर और ये साइनाई का पहाड़ कहां पर है मिस्र देश में जब अब्राहम असारिया से इजराइल आए असारिया कहां है आपको बताया पूरा जब वो इधर आए इसराइल आए मतलब बेथल को और इसराल से जब अः क्या बोलते फैमिन अकाल आया तो वो मिस्र देश गए मिस्र देश से वापस इसराइल आए वो क्या कर रहे थे इस समय उस समय कर क्या रहते रास्ता बना रहे थे लगता है कि एक रास्ता ही बना रहे थे और रास्ते में बार बार अपना he was making altars, we don't know. मगर हम लोग एक चीज जरूर जानते थे जानते हैं कि परमेश्वर एक बात स्थापित कर रहे थे कि मिस्र देश और इसराइल और असारिया के बीच में एक रिश्ता कनेक्शन बन रहा था आप फिर से सोचिए असरिया ऊपर से लेके वो मिश्र इधर आए इसराइल में बैथल आए बैथल से, से वापस आए ये क्या हो रहा था क्या परमेश्वर एक हाईवे बना रहे थे क्या सोचिए इसके बारे में अगर पहला कल और छियालीस वचन को अगर हम लोग मन में लेके चले उसमें कहता है द नेचुरल केम फर्स्ट स्पिरिचुअल फॉलोड कि पहला शारीरिक आया फिर आत्मिक आया अगर ये पहला शारीरिक बना है हाईवे तो क्या इन दिनों में अंतिम दिनों में ये आत्मिक हाईवे भी बन रहा है क्या आपको मालूम है पिछले लगभग नौ महीनों में इसराइल जब उनके चारों तरफ सभी देश उसके विरुद्ध थे पिछले छह महीने आठ महीने दस महीने में बहुत सारे अरब कंट्रीज ने इसराइल से एकाएक दोस्ती करना शुरू किया उसके पहले सिर्फ मिस्र देश और यार्दन के बीच में थोड़ा रिश्ता था अब ये आठ सात या आठ नए नए इसी एरिया में आपको मैप को देखिए इसी एरिया के लोग अभी सब इसराइल की ओर दौड़ रहे हैं और उनसे रिश्ता जोड़ रहे हैं हाईवे बन रहा है क्या आप देखिए कौन कौन सी जगह जो अभी नया नया रिश्ता अभी पिछले सात आठ महीने में हुआ है उसमें है अमंग देम वाज इफ यू रिमेम्बर देम यूनाइटेड अरब एमरेट्स है yes. yeah, शायद कुबेट भी है नो नॉट येट ओके अभी सब है एक ही लाइन में सभी रिश्ता जोड़ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन से देखें इजिप्ट जो है मिस्र देश परमेश्वर के नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग उनको रिजेक्ट करके बोलते नहीं कि ये रिजेक्टेड है दे आर नॉट रिजेक्टेड बट दे आर पार्ट ऑफ द प्लान गॉड हैज अ प्लान जिसको हम लोग को रट मिलना चाहिए हर क्रिश्चियन को गॉड हैज अ प्लान उस प्लान में हम एक हिस्सा हैं

इसलिए जब अभी हम लोग ने पढ़ा आजाया 19 और 23 से लेके 25 वचन हम लोग क्या समझ रहे हैं ये परमेश्वर का प्लान आजाय की किताब प्रभु यीशु मसीह के लगभग 700 साल पहले की बात है तो सत्ताईस साल पहले ही ये बात लिख गई कि दिस हाईवे बन रहा है जब मिस्र देश से इसराइल निकल के आए क्या वो ऐसे ही चले की यहाँ चले वहां चले ऐसे चले वैसे चले नहीं कोई एक हाईवे जरूर था कोई रास्ता जरूर था और अगर हम इस समय आजा की किताब खोले और सोलह अध्याय पढ़े इलेवन सिक्सटीन आजा की किताब इलेवन चैप्टर इलेवन एंड वर्स 16 हम इंग्लिश में पढ़ देते हैं अगर नहीं मिले यू इट क्या योग क्या यू तो यहाँ पर भविष्यवाणी में लिखा है अब अगर आज का जो ग्यारह दया है अगले अंत फिर भी फिर से आपको याद दिलाए अंतिम दिनों की भविष्यवाणी है अबाउट द किंगडम दैट विल बी स्टैब्लिश इन द लास्ट डेज Isaiah 11, chapter, is about the kingdom to be established in the last days. And there shall be a highway for the remnant of his people, which shall be left from Assyria like it was to Israel in the day that he came out of the land of Egypt. There will be a highway. कितने बार आपने पढ़ा होगा इसके लिए इसको आप बोलिए शायद हंड्रेड ऑफ टाइम्स मस्ट कभी सोचा नहीं ये क्या है इट It वॉज अंतिम दिनों में एक हाईवे होएगा परमेश्वर के लोगों के लिए अब आइए हम लोग सोचे केयरफुली अपने मैप को फिर से आप लोग देखें और उसमें आप आपको दो तीन चीज दिखाएं मैप खोल जस्ट मैप आप, आप आपके आपके उस पर भी मैप खोल लीजिए अपने मोबाइल पे अगर आपके पास बड़ा स्क्रीन है तो इवन बेटर तो मैप हम लोग उसमें देख रहे हैं अभी आप मैप को पढ़ रहे हैं, देख रहे सामने जो पहला क्रिश्चियन चर्च था आप लोग सब जानते हैं पहला क्रिश्चियन चर्च पर स्थापित हुआ कम ऑन नाउ एवरीबॉडी शुड नो दैट है हम इस घर में नहीं पूछ रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कहां पर स्थापित हुआ वे फर्स्ट चर्च स्टैब्लिश फर्स कमान yes, पहला चर्च का एंटी एंटियोक कहा था कहां पर है टोकी सीरिया ओके वह लाल रंग देख रहे हैं दिख रहा है और राइट फर्स्ट चर्च पर स्टैब्लिश हुआ तो परमेश्वर की नजर में सीरिया इंपॉर्टेंट था और है यस yes. उसी तरह हम लोग देखेंगे जो अभी हम लोग ने पढ़ा हाईवे अब तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम लोग को बहुत बार पढ़ा है हर साल पढ़ते हैं क्रिसमस टाइम द वाइज मैन द मगाई कहा से आए कहा से कर्ड कर्ड किधर पड़ता है कर्ड श्लोक किधर है uh, टर्की के नीचे हिस्सा में सीरिया और टर्की के बीच में ये कर्डिश एरिया है तो इफ यू कम टू द लेफ्ट साइड आल्सो द होल एरिया होल ऑफ एक्चुअली लेफ्ट लेफ्ट में यू गोइंग टू द राइट साइड एक्चुअली ऑन द लेफ्ट साइड अंकारा उसके नीचे है जरा नॉट अंकारा बट दैट वो जहां पर यू मेड द फर्स्ट रेड कम टू द लेफ्ट ऑफ दैट हाँ देर दिस इज कर्डिश एरिया और वाइस मैन मगाए देवर कर्ड्स फ्रॉम नॉर्दर्न इराक उन लोग कहां से आए इसी रूट को लेकर आए मैं क्यों आपको बता रहा हूं मैं कुछ स्टेब्लिश कर रहा हूं गॉड हैज प्लान और वो किस लिए आए थे वाइजमैन जो थे मगाई जो थे ये हिंदी में क्या है वाइजमैन है मदुसी लोग यहां से आए किस लिए आए कोई बताइए किस लिए आए यीशु को ढूंढने के लिए दे वर लुकिंग फॉर द चाइल्ड द प्रोफेटिक चाइल्ड को ढूंढने के लिए आए लुकिंग फॉर जीसस द किंग अब हम चाहते हैं आप लोग एक काम करें एक काम करिए हम लोग की इच्छा देखिए और आपको बोलना भूल गए कि ये जो नोआज आर्क था वो कहाँ पर आके रुका माउंट रुकाउंट हाँ माउंट आर हिंदी में कोई बताए कहां पर टर्की हाँ, तो में तो तो, कैपिटल क्या है अंकारा ओके लाल माउंट तो ऑल गॉड प्लान। लेके चलिए गॉड प्लान। ये प्लान हो ओवर द पीरियड ऑफ सिक्स थाउजेंड ईय के ऊपर परमेश्वर का प्लान बन रहा था बन ही रहा है और अभी भी चल रहा है तो हम लोग देखेंगे हम आप चाहेंगे इस समय कि हम लोग अपने मैप पर ये शहरों को जोड़ दें और उसमें से है ऊपर अंकारा ले लें एंड आई वॉन्ट टू शो दिस कैन क्या शो देर अब आप एक मैप को देखिए जो मैंने जोड़ा है अपने मैप पे एक डिजाइन है आप लोग हाँ। देख रहे हैं क्या सबको दिख रहा है यस yes, अंकल सब को, अभी एक ही एक ही को दिख रहा है सिर्फ वन अंकल यस अंकल और सबको दिख रहा है क्लियर देख रहे हैं क्या था। क्या था। देख रहे हैं कि ये जो शहरों का नाम आपको बोल रहे थे कि यहाँ से वहां हाईवे वहां से वहां हुए अगर आप लोग इनको जोड़ें एक चौड़ा ब्रॉड बेस करे तो ऊपर से लेके नीचे नीचे कहाँ तक जाता है सऊदी अरेबिया अप टू मेखा और इधर यहाँ पर है फ्रॉम कायरों से लेके लेफ्ट तक वहां तक जाता है मैंने ये जोड़ा है और आपसे बोले रिक्वेस्ट करेंगे आप अपने बाइबल से निकालिए इस मैप को इसको प्रिंट आउट बनाइए जो मैंने बनाया है जब हम लोग ने बाइबल स्टडी अर् लिया था जय विल रिमेम्बर हमने सब के लिए प्रिंट आउट बनाया था ताकि उन लोग वहां पर लोग बैठे बैठे सामने बना रहे थे और लोगों का दिल धड़कने लगा कि व्हाट इज दिस यस वॉट इज इट इट इज द क्रॉस द लॉर्ड हैज मेड क्रॉस टू सेव द क्रॉस एक्स मगर क्रॉस का जो ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन कहां से पास होता है इट पास इज थ्रू जेरूसलम हाल लोिया आप लोग देख रहे हैं इस क्रॉस को इस क्रॉस को देख रहे हैं क्या हा दिख रहा है हाँ। ये हाईवे जो फिजिकल था स्पिरिचुअल हाईवे परमेश्वर बना रहे थे अभी भी बना रहे बन ही रहा है जो यहां से लेके वहां तक ऊपर से लेके नीचे मगर क्रॉसिंग पॉइंट जो है इट इज जेरूसलम मेरी तो इच्छा हो रही है कि इस समय टू जस्ट प्रे टर्म्स एंड प्रेज द गॉड फॉर व्हाट हीन एंड वॉट इज डूइंग the cross in the middle east amen jo us physical highway tha aaj din wo spiritual highway is there and the spiritual highway is seems to be the sign of the cross and the crossing point of that cross Jo Uska cross point hai us salib you can get it wo i my you have to move me out wo Jerusalem क्योंकि यूसलम में ही देखिए इसको ठीक से स्टडी करिए अब स्टडी करिए इसको आप लोग सबको क्लियर दिख रहा है सबको दिख रहा है पुलिट लिटिल लिटिल ज्यादा आप नहीं जाएंगे okay. इसी

आई डोट थिंक आज ये पूरी तरह कवर होगा बट आई विल गिव अडिंग टू दिस नॉट अंडिंग और वो ये है अगर किंगडम ऑफ गॉड का अगर अंत लेना है द किंगडम ऑफ गॉड इज द्रॉस ओवर द मिडल ईस्ट जहां पर जो तीन फेथ है इस दुनिया का मेन वो है क्रिश्चियनिटी इस्लाम एंड जूडिज्म उनके ऊपर परमेश्वर के क्रूस का छापा है एंड दैट इज द ट्रूथ आज के दिन ईरान में जो इतनी वहां पर दबाव है क्रिश्चियन लोगों के ऊपर दुनिया का सबसे बढ़ता हुआ सबसे बड़ा बढ़ता हुआ चर्च ईरान में है द फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्च इन वर्ल्ड इज ईरान इज इन ईरान आप बिलीव करेंगे आप अपने क्रॉस में देखिए आपका मैप में देखें तो ये सब उसमें कवर हो जाता है अगर पूरा फर्दर जाएंगे ताशकिन तक उधर जाता है इधर फैलेगा गॉड हैज अ प्लान और परमेश्वर किसके द्वारा कर करेंगे स्थापित विश्वासियों के द्वारा अगर आप मेरे साथ एक बाइबल का वर्ष हम लोग पढ़ के आज का यहाँ पर आधा खत्म करेंगे आधा मीन्स खत्म करेंगे मगर क्वेश्चन आंसर्स के लिए खोलेंगे और वो है दानियल की किताब में जब दानियल जो है सीज विज़न एंड मोस्ट तो की किताब सात अध्याय और बाईस वचन में और अठारह वचन अठारह और बाईस वचन अठारह वचन में लिखा है जो परमेश्वर के कर विधि इन हिंदी इंग्लिश एटलीस्ट इंग्लिश में लिखा है आई विल रीड इट आउट एंड गेट इट ऑन द स्क्रीन जैनियर सेवन एंडीन बट द द ऑफ मोस्ट हाई शैल टेक द किंगडम एंड एंडम फॉर एवर इवन फॉर एवर एंड एवर परमेश्वर के जो संत लोग हैं परमेश्वर के संत लोग कौन है कलीसिया के लोग जो असली कलीसिया है द इनविजिबल चर्च

है किसी के पास हिंदी मराठी गुजराती किसी में है तो जल्दी से निकालिए नो बडी इज गॉट ऑल राइट नहीं देट विल नॉट डू फ्रॉम देर यू रीडिंग विल नॉट डूट टू गो देर आप लोग के पास किसी के पास हिंदी बाइबल नहीं है क्या दैट इज rather uh... shall i read uncle रीड huh, please read yes. read kon padhne pad विक्टोरिया यू लव परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाए और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे दानियल सात अठारह परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और योगा न्याय युग उसके अधिकारी बने रहेंगे हां यस सी सिस्टर विक्टोरियस रीडिंग फ्रॉम द फ्रॉम द हॉस्पिटल बेड एंड नन ऑफ अस सीम टू हैव आवर बाइबल्स विद अस इज नॉट कंफर्टेबल थॉट और इसी तरह हम लोग देखते हैं 22 वचन में डोंट रीड इट इन हिंदी आई विल जस्ट रीड इन Until the ancient of days came, and judgment was given to the saints of the Most High, and the time came that the saints possessed the kingdom. Parmeshwar ke raj kiske haath mein hoga? Aapke aur mere haath mein. Jiske raja hoinge Prabhu Yeshu Masih, aur wo. होएगा अंत का समय जब यीशु मसीह यरूशलेम के दाऊद राजा के सिंहासन पर बैठ के राज्य करेंगे और दुनिया के लोग वहीं इकट्ठा होके परमेश्वर की स्तुति करेंगे नाउ आई नो बहुत लोगों के पास बहुत सारे सवाल हो गए हैं एंड यू नीड टू हैव क्वेश्चंस बिकॉज आई हैव लेफ्ट लॉट ऑफ गैप्स बीच बीच में मैंने कुछ जगह बना के रखा है और जिनका एक्चुअल इंटरेस्ट है इस बात को समझने के लिए अगले संडे कमिंग संडे गॉड विलिंग हम लोग समय देंगे कम से कम 20 मिनट टू क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन द किंगडम ऑफ गॉड वी विल आल्सो टेक अ रन थ्रू फुल रन थ्रू कि शुरू से लेके हम लोग कहाँ तक आए और कहाँ पर एंड हुआ मगर जो एंड का रास्ट पार्ट क्या है वर्ल्ड so परमेश्वर ने दुनिया से दुनिया है हिंदी दुनिया संसार संसार यस नो वर्ल्ड दुनिया नहीं संसार परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा भेजा ताकि जो पर उन, जो उन पर विश्वास करें Now, विश्वास का मतलब है कमिटमेंट करें नॉट एज एनी अदर पर्सन बट एज सन ऑफ गॉड ये प्यार है गॉड तो द एंड ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड का यह है लव ऑफ गॉड परमेश्वर का प्यार कि परमेश्वर ने दुनिया से प्यार किया कभी कभी हम लोग क्रिश्चियन लोग अपने को थोड़ा सा लिमिट कर देते हैं हमने एक बार लोगों से आप भी जानते होंगे बहुत सारे लोगों से पूछा मैं हमने ने पूछा बहुत सारे लोग सोचते हैं हम पूछते हैं वॉज जीजस अ क्रिश्चियन तो बहुत सारे लोग बोलते यस जीजस वॉज अ क्रिश्चियन

वर्ल्ड नीड्स टू नो जस्ट लाइक द इस्लामिक वर्ल्ड को एक उधार करता की जरूरत है हम अपने बल पे कुछ नहीं कर पाएंगे और हम लोग अपने बल पे सोच रहे हैं दुनिया उसी में बढ़ रही है वैक्सीन हम खड़ा कर देंगे हम लोग अपने ज्ञान लगा के कर लेंगे वैक्सीन आपके अंदर है मेरे अंदर है तो द एंड ऑफ द स्टडी ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इज गॉड सो लव गिव इज ओनली बिकॉट इन सन ताकि जो उस पर विश्वास करे वो स्वर की रास्ते में दो बिलीव इन शड बी हिज ओन नॉट बी कंडेमड परंतु अनंत जीवन उनको मिले कौन जाएगा कौन जाएगा आज ने कहा मैं जाऊंगा प्रभु मुझको धि भेज कौन जाएगा कौन जाएगा? प्रभु तू मुझको मैं जाऊंगा दिस शुड बी द एंड आई हम लोग बंद करेंगे इस चार लाइन को गाकर आप अपने माइक्स को ऑफ करें मगर यहां से आवाज जा रही है आप गाएं वहां से मगर लेट दिस बी अ प्रेयर एज वी क्लोज दिस सेशन ये कहते हुए कि प्रभु मैं जाऊंगा मैं अपने देश के लोगों को बताऊंगा क्योंकि जोना की किताब में लास्ट वर्ष में परमेश्वर बोल रहे हैं कि जोना तो क्यों गुस्सा है क्यों गुस्सा दिखा रहा है कि मैंने को नष्ट नहीं किया वहां पर 120 लोग हैं जिनका बाया हाथ और दाया हाथ कभी उनको फर्क नहीं मालूम कि मेरा हाथ है, है कि मेरा दायना हाथ है उनको समझ में नहीं है और तुम गुस्सा हो रहे हो उसी तरह हम लोग में हम लोग की कलीसा में हिंदुस्तान में हम लोग अपने देश के लोगों से बहुत गुस्सा रहते हैं कि वो वैसे है वैसे है वैसे सच्चाई ये है कि हमारे देश के लोग भी बहुत सारे लोग हैं नादान हैं, उनको नहीं मालूम है नई समझ में है समझ है और हम लोग उनको प्यार से पेश नहीं आ रहे हैं हमारे इस्लामिक भाई-बहन उनको हर चीज में दूसरी बात समझ में आ रही है एक चीज समझ में नहीं आ रहा है द लव ऑफ गॉड उनको ये बात समझ में नहीं आ रहा है दे नीड अ सेवियर उनको एक मुक्तिदाता की जरूरत है क्योंकि हम लोग ने एक ब्रॉड ब्रॉड बेसिस पे उनकी थिंकिंग को समझ लिया है उनके की वो क्या बोलते समझ लिया है इट शुड हेल्प अस टू रीच आउट टू द इस्लामिक वर्ल्ड दिस शुड हेल्प आउट टू आर हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दिस शुड हेल्प आउट फॉर अस टू रीच आउट टू एवरी वन जिनको यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है हम लोग अपना समय बिताते हैं इस चर्च और उस चोर्ट की बुराई करने के लिए चर्च की बुराई करने का हम लोग का कॉलिंग नहीं ये कॉलिंग है परमेश्वर पूछ रहे हैं कौन जाएगा हमारे साथ गाइए माइक ऑफ करके सिंग विथ मी एज ब्रदर सिंह सिंह Uh... <laughs> आज का स्टडी उस तरह से किंगडम ऑफ गॉड का अंत हुआ है किंगडम ऑफ गॉड के अंत का जो स्टडी के अनुसार है द क्रॉस ओवर द मिडल